पीएमओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन विधायक सौरभ श्रीवास्तव को सौंपा। उग्र आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। ई रिक्शा चालकों द्वारा नई यातायात प्रणाली के तहत जोनवार ई रिक्शा संचालन के निर्णय का लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में ई रिक्शा चालक प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। जुलूस की शक्ल में काफी संख्या में चालकों के पहुंचने की सूचना पर पीएमओ कार्यालय के आसपास काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी संख्या में चालक वहां पहुंचे। इस दौरान ई रिक्शा चालक हाथ में तिरंगा लिए और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने उनकी समस्याएं सुनी और उनका ज्ञापन लिया। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि वाराणसी के यातायात विभाग द्वारा प्रस्तावित रोजगार विरोधी मार्ग रोकने की नीति का हम बहिष्कार कर रहे और अपनी मांगों से संबंधित 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में ई रिक्शा चालकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में वाराणसी में ई रिक्शे की शुरुआत की थी, जिसे रोजगार के एक साधन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ई रिक्शा एक आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। आज वाराणसी में 25,000 से अधिक ई रिक्शा चालक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस पेशे पर निर्भर है। हालांकि वर्तमान में इन ई रिक्शा चालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें प्रतिदिन की ईएसआई, बैटरी चार्जिंग, वाहन रखरखाव और अन्य खर्चों के लिए लगभग 500 रुपए की लागत होती है। इसके बाद बची इनकी दैनिक आय बहुत ही कम है। यदि नए प्रस्तावित ई रिक्शा मार्ग लागू होते हैं तो इनकी आमदनी में और भी कमी आ सकती है, जिससे इनकी स्थिति और गंभीर हो जाएगी। यही बैठ जाइए, शांतिपूर्वक बात होगी। सर मैं अपील यही कर रहा हूँ, सर बताइए, ये बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं कैसा पैसा जुगाड़ करके किस्त पे गाड़ी निकाला हूँ, कैसे भरूंगा? अगर बैंक वाला अगर मान जाए तो ठीक है, बैंक वाले को तो हम लोग तो लोन पास करवा दिए भाई। अब तो हमको भरना है, मर के भरना है या जी के भरना है। अभी लॉकडाउन लगा था तब भी मैं हम लोग में भरा, कैसे भरा? मुख्य समाचार यही है कि हमको जो ऑपरेशन, जैसे जो पब्लिक का मान है, जैसे जनता हमारी जो कर, जो भाई बंधु मेरे आए हैं, हमको यही मतलब गिलवा सिखवा ये है कि वो हमारी सरकार ये सुने कि जो ये बांट रहे वो ना करें। अगर मेरे को अगर मरीज लेकर कैंट अगर लंका लेकर जाना होगा, अगर कोई भी पैसेंजर अगर कैंट से आ रहा है बीमार होकर, हेरिटेज हमको लेके जाना है, लंका लेके जाना है, बेचू लेके जाना है, तो कैसे लेके जाए जब वहाँ गाड़ी नहीं रहेगी? अब ऑटो वाले पे कोई पाबंदी नहीं, ऑटो वाले जहाँ मंग रहे हैं वहाँ चले जा रहे हैं, वो जगमबाड़ी तक चले जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस वाले जगमबाड़ी में पैसा खा रहे हैं, 100-200 देकर तुरंत लिखा के चल जा रहे हैं। उनको भी करिए ना, हमारे 300 रुपया देकर रात में चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, नो एंट्री में चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं?
एक बस अगर एक गाड़ी 2 लाख रुपए का पड़ रही है किस्त में सर, ये बताइए कि हम लोग कैसे कैसे भरे, बताइए कैश उतना औकात नहीं है लेने को, 1,65,000-60,000 कैश आ रहा है, नहीं लेना चाह रहे हैं तो 2 लाख-2.5 लाख रुपए पड़ जा रहे, 2 लाख-20 लाख पड़ जा रहे, कहाँ देते हैं? हम लोग आए पीएमसी ऑफिस, वहाँ पर उनका अपील बताएंगे, जितनी चाबी जनता लेकर आए, जितने भाई बंधु वहाँ चाबी हम लोग रख देंगे, वही घर के धंधा देंगे। मैं विधवा महिला हूँ और लक्षा थाने पे टेम्पो लगाया जाता है, पर मैं इधर उधर गाड़ी घुमा के लाती हूँ तो हमारी गाड़ी नहीं लगाने दिया जाता, और ऐसे ही मैं जबरदस्ती लगाई तो गीता लेडीज पुलिस लगता थाने की, उन्होंने मेरे सिलेंडर की तार तोड़ी, हमने हटाया उनको, और हटाने से उन्होंने मुझे डंडा मारा है उसका, मेरे पास पूरा सबूत है उसका, और उसके बाद जब आते हैं दरोगा और लगता थाने के तो कहते गाड़ी हटा, जब कहते हैं कि नियम कानून सबके लिए कि एक के लिए है, तो कहते हैं कि ये टोटो लगता थाने से लगाए जा रहे, तुम की लोग की नहीं है, तुम लोग हटो, और एक ठो ये है अविनाश पटेल एटीआई दरोगा है, और उसको तो बोल दे कि बदतमीजी से बदतमीज कमीना और गंदी गंदी गाली देते हैं, डीपी लाइन के मैं उनके सामने बोलती हूँ, पर एक बात है मैं सर डरती नहीं, कहती हूँ मुझे गर्व है अपने ऊपर, मैं कमा रही हूँ, कोई चोरी डकैती मर्डर है मैं गलत काम कर नहीं रही हूँ, हमारी पास मजबूरी है तब मैं कमा रही हूँ, हमारी अनुरोध है योगी जी से कि हमारी इसमें सुनवाई करें महिलाओं को, मैं इसीलिए कि जो बार कोड लगाया जा रहा है नहीं लगाना जाए, हम इसको नहीं मानेंगे। दिक्कत ये आ रही है कि देखिए जो टोटो भाई लोग हैं उन लोगों को लोकल में मिल रहा है गली में 3 किलोमीटर चलाने के लिए, अब 3 किलो में उनका पेट कैसे चलेगा? आप लोग की क्या मानना? हम लोगों का ये है कि जो हम लोगों का रोड तक चलता है जैसे काशी के अंदर कैन के अंदर, तो हम लोगों को वहाँ चलने का आदेश मिले, हम लोगों को आदेश चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कहाँ आए, क्या कर रहे हैं? आज हम लोग आए हैं कार्यालय भाई अपनी बात रखने के लिए, अब कोई बात नहीं है, हम लोग जैसे गाड़ी चलता पहले जैसे चलता है, खुश रहेंगे। यातायात प्रशासन जो है जबरन एक QR कोड बार कोड बना रहा है, उससे ई रिक्शा चालकों की कमाई खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, ये नियम कानून और किसी गाड़ी पे नहीं लगाया जा रहा, बजाज की ऑटो गाड़ियाँ चल रही उस पर नहीं लगाया जा रहा, ऑटो के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, कार के ऊपर नहीं लगाया जा रहा, क्या कारण है खाली टोटो के ऊपर लगाया जा रहा? तो हम लोग कई दिनों से बहुत प्रयास कर रहे थे अपने कमिश्नर साहब अपने DM साहब से, वो लोग नहीं सुन रहे थे और जबरन हमारे ऊपर ये नियम थोप रहे थे, तो हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं, हम अपने सांसद के पास आए हैं, हम ये कहने के लिए आए कि आपने जो ई रिक्शा हमें दिया था, जो रोजी रोटी हमें दी थी, वो अगर हमें मोहल्ले में गाड़ी चलानी पड़ेगी तो हमारे बैंक का किस्त कैसे जाएगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, हमारा जो है खर्चा कैसे चलेगा, इस महंगाई में पहले ही हम लोग बहुत त्रस्त है, ऐसी स्थिति में हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी को ये चाबी देने आए हैं, गाड़ी की चाबी, सभी लोग चाबी दिखाओ गाड़ी की एक बार, देखिए जो लोग यातायात प्रशासन के इशारे पे कंपनियों के इशारे पे हैं, यातायात प्रशासन के इशारे पे काम कर रहे हैं वो जा रहे होंगे, यहाँ चालक खड़ा है, ये देश का झंडा है, ये जनता है, ये कह रही है कि 2 किलोमीटर में अगर गाड़ी चलाएंगे तो हम कैसे कमाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपको टोटो दे दिया जाए 2 महीने के लिए और उस मोहल्ले में आप चलाइए, आप चला के दिखाइए, बताइए कैसे चलाएंगे, पुलिस कमिश्नर साहब को वो गाड़ी की चाबी दे दीजिए, 2 महीना चला के दिखाएं कैसे परिवार पालेंगे, तो बात यहाँ पे है ना, अगर एक पत्रकार को 2 महीने दी जाए चला लेगा वहाँ पे गाड़ी, आप चला लेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय पे प्रदर्शन करने के बाद क्या आपकी मांगे मानी जाएगी, अगर नहीं मानी जाती है तो अगला स्टेप क्या होगा? हम लोगों का अनशन आंदोलन चल रहा है, टोटो चालकों का चलना है, जितना जरूरी उनकी आय के साधन के बने रहना है उतना ही जरूरी बनारस में ट्रैफिक का बने रहना है। आज कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है, बनारस रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौराहा, आपका कैंट रेलवे स्टेशन, एक पर एक कई टोटो एक साथ आ जाते हैं, जाम लग जाता है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक गाड़ी आए उसके पीछे दूसरी रहे उसके पीछे तीसरी रहे, और एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा, जो प्लान प्रशासन ने बनाया है उससे ये सहमत नहीं है।
हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको रखेंगे, बैठकर बात करके जो रास्ता निकलेगा वो इनको सूचित करेंगे। बात ये हो रही है कि लगभग आधा टोटो यानी कि 13,000 टोटो अनफिटनेस है, जिसको प्रशासन रोक रही है, उसके लिए रूट प्लान बना है, QR कोड बनाया गया है ताकि ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए। लगातार ये बड़ी समस्या बनती जा रही है, ऐसे में ये कोई नियम मानने को तैयारी नहीं है और पुलिस प्रशासन कहती है कि हमें अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तभी हम ट्रैफिक जाम से मुक्त। देखिए अब मैं प्रशासन का प्लान मेरे पास आ चुका है और इनका बताया प्लान आ चुका है, दोनों प्लान लेके बैठूंगा तभी कुछ बता पाऊंगा, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, प्रशासन से बैठक करके बताऊंगा। पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि ये जो है ठीक है, इनमें से बहुत लोग हैं जिनको यातायात नियम का ज्ञान नहीं है, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन इन्हें टीच करना, इन्हें ट्रेंड करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि टोटो चालकों को भी समस्या ना हो और शहर के ट्रैफिक को भी समस्या ना हो। सवाल है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बाहरी जो लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं उससे बाहरी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। देखिए बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूर्वांचल की तो राजधानी है ही, तो बनारस में कोई बाहर से आए ऐसा रोके जाने का, पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है, आप इतने लोग खड़े हैं, आप ही में से सभी बनारसी हो तय नहीं है। मेरे पिताजी का गांव गोरखपुर, मेरी माँ का प्लेस मिर्जापुर और हम लोग यहाँ पले बढ़े, तो कोई पूरे देश में कहीं किसी को जाने की छूट, जाने की रोक मैं नहीं लगा सकता, ना रोक है, लेकिन जो जहाँ रहे व्यवस्थित ढंग से रहे और व्यवस्था पर उससे कोई समस्या ना आए ये इसे सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये हम करेंगे। हम लोग 5G में जी रहे हैं लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑटो को हटाना चाहिए लेकिन टोटो को क्यों, क्योंकि ये प्रदूषित मुक्त है। ऑटो